वर्ल्ड टी20 इंडिया में होना है और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि तीन टी20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड टी20 इंडिया में खेलें। टी20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा। ये आईसीसी भी वैसे दिखाने के लिए है। आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच हुआ ही। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। पाकिस्तान और भारत के दरमियान टी20 सीरीज जो है वो हो सकती है, कोई ब्रैकेट निकाली जाए, कोई अंदर से जगह निकाली जाएगी, 8-10 रोज के लिए 2-3 मैचेस करवा दिए जाएंगे, तो ये चांसेस भी जो आएंगे, ये चांसेस हैं। अभी कबल इस वक्त कहना जो है वो कुछ भी हम नहीं कह सकते कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, क्योंकि बहरहाल ये अभी खैर सगाली का खत है, जैसा कि हमारी पहले भी बात हो रही थी कि ये वही बात हो सकती है कि बगल में छुरी और मुंह से राम राम, हो सकता है कि ये मैच हो सकती है। चेयरमैन पीसीबी जो है ऐसी किसी खबर की तस्दीक नहीं कर रहे हैं और क्रिकेट डिप्लोमेसी पर पीसीबी के एक अफसर का ये कहना है कि इशारे मिल रहे हैं, कहा गया है कि तैयारी रखें और इसके ऊपर बातचीत हो रही है। हाँ। और आपको पता है पिछली बार पाकिस्तान भारत गया था और अगर इस दफा सीरीज होती है तो भारत को पाकिस्तान आना होगा। जाहिर है कहना है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान क्रिकेट सीरीज खेलने पर ब्रेक थ्रू होता है तो टी20 मैचेस के लिए 6 दिन के विंडो जो है वो लगाई जा सकती है, ऐसी मुमकिनात में से है। अगर ये सीरीज काबिले अमल होती है तो भारतीय टीम पाकिस्तान का दौरा करेगी, क्योंकि आखिरी बार पाकिस्तान ने ही भारत का दौरा किया और दोनों मुल्कों के दरमियान 2012-13 में आखिरी दो तरफा सीरीज भारत में हुई थी। जुनैद खान ने क्या कमाल उसके अंदर बॉलिंग की थी और हमारे साल भारत में टी20 वर्ल्ड कप अक्टूबर में शेड्यूल्ड जल्दी होगा। कुछ चीजें अभी इंडिया में ऐसी चल रही है, कल एक प्रोग्राम में मैं था इंडिया से, मुझे लाइन पे लिया हुआ था तो बेबी साहब वहां पर एक सीनियर जर्नलिस्ट थे साथ में, उनका कहना यह था कि इस वक्त मोदी साहब जिस तरह इलेक्शन में फंसे हुए हैं, बंगाल का इलेक्शन है, कई और जगहों पे इलेक्शन है, उनके साउथ में इलेक्शन है, लेकिन बंगाल का इलेक्शन उनके लिए डू एंड डाई वाली सूरत हाल रखता है जिस तरीके के हालात इंडिया में रिसेंट पास्ट में हुए थे, तो उनका असल फोकस तो अभी इस जानिब दिखाई दे रहा है, उसके बाद वो सोचेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेकिन भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी हो या पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान हो, तरीके की फिगर जरूर है कि स्टैंड फैसला खुद करते हैं, बात खुद करते हैं। माजी में हमने देखा था कि जो हुकूमतें पाकिस्तान और भारत की हुआ करती थी, जियाउल्लाह साहब गए थे मैच देखने के लिए, राजीव गांधी साहब आए थे, अब वो सूरत हाल नहीं है। अब दोनों हुक्मरान हैं, वो डिसीजन लेंगे कि आया होगी या नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर जैसे अभी आप बात कर रहे थे, अगर उसूलन देखा जाए कानूनन देखा जाए तो इंडियन टीम को पाकिस्तान का दौरा करना चाहिए। ज़का अशरफ के दौर में पाकिस्तान टीम गई थी और अभी हमजा जिस तरीके से आप जुनैद खान के स्टाइल की बात कर रहे थे, बड़ा लाजवाब स्पेल था वो, अच्छा स्पेल करने के बाद आज तक जुनैद खान भी टीम में दिखाई नहीं दिया। तो कहने का मकसद है अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए हमजा, शायद मेरा अपनी जाती राय है कि पाकिस्तान में सीरीज फिर ना हो, इस साल अक्टूबर में वर्ल्ड टी20 इंडिया में होना है और शायद कोई एक विंडो उसी वक्त बनाई जाए कि 3 T20 मैचेस बिफोर वर्ल्ड टी20 इंडिया में तो भारत ये पाकिस्तान को ऑफर तो कर सकता है कि हम आपके पास आके सीरीज खेल लेते हैं, आप हमारे पास आके वर्ल्ड कप खेलें। देखिए वर्ल्ड टी20 तो हमें खेलने जाना ही है, अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हमें जाना पड़ेगा। ये आईसीसी भी वैसे दिखाने के लिए है, आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में पाकिस्तान और इंडिया का मैच खेलते हैं, वर्ल्ड कप खेलते हैं, तो आईसीसी कहीं पे भी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन बात यह कि वर्ल्ड टी20 खेलने हम जरूर जाएंगे, एक बात तो तय है, चाहे हमारे शाइकीन को वीजा मिले ना मिले, जो हमने अप्लाई किया हुआ है, हमारे मीडिया को मिले ना मिले, और कोविड-19 की वजह से शायद बहुत सारी जवाब बन जाएंगे वीजे ना देने के भी, लेकिन अब बायो सिक्योर बबल बनाना पड़ता है प्लेयर्स के लिए, क्राउड को वो अलाउ करेंगे या नहीं करेंगे, हो सकता है वो अपनी इस आईपीएल में कोई ना कोई प्रैक्टिस करें जो अब होने शुरू होने जा रही है कि कुछ क्राउड को बुला के वो देखेंगे हम वर्ल्ड टी20 में बुला सकते हैं या नहीं बुला सकते। अगर क्राउड नहीं आ रहा तो पाकिस्तानी शाइकीन को वीजे किस बात से, और दूसरी चीज अब तक ज्यादातर जितनी क्रिकेट हो रही है कोई मीडिया नहीं जा रहा है, जीवन के करंट जो उनके मुल्क का होता है उनके लिए भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस का बंदोबस्त किया जाता है, तो उस लिहाज से हमने शराइत तो रख दी है, लेकिन कोविड के आगे क्या सूरत हाल होती है उसी पर ही डिपेंड करेगा। मैं इसलिए कह रहा था हमजा, जी अब आपको क्वारंटाइन होने के लिए भी एक वक्त दरकार होता है, 10 दिन दरकार होते हैं, 7 दिन दरकार होते हैं, कम से कम भी आपको इतना टाइम गुजारना पड़ता है। तो अगर इंडियन टीम यहाँ आती है तो ऐसी कौन सी विंडो बन रही है, बिल्कुल। और दूसरी चीज ये कि हम शायद मानने को तैयार हो जाएंगे कि ठीक है हम इंडिया में मैचेस खेल लेते हैं यार। अच्छा, आप जानते हैं कि बहुत सारी चीजें हम माजी में भी करते हुए हैं, जब हमने खेली थी वो भी हमारे हमारा वक्त था कि हमारे आस पास आके।